नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। मोहल्ला कायस्थान निवासी चिकित्सक में 25 अप्रैल को कोरोना की पुष्टि हुई थी। सोमवार की देर शाम डॉक्टर ने मेरठ में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। डॉक्टर की मौत की सूचना से नगरवासियों में हड़कंप मच गया। मंगलवार को दोपहर प्रशासन डॉक्टर के मृत शरीर को एम्बुलेंस द्वारा उसके पैतृक गाँव पहुँचे, जहाँ डॉक्टर का अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान चिकित्सक के शरीर को पंचतत्व में विलीन कर दिया गया। बताया जाता है कि डॉक्टर की पत्नी व बेटे को भी कोरोना की पुष्टि हुई है, जिनका उपचार अस्पताल में चल रहा है। चांदपुर से रईस अहमद की रिपोर्ट। नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। लॉकडाउन में बिना किसी पास के उत्तराखंड से यूपी में प्रवेश कर रहे महाराजगंज के विधायक व उनके 6 साथियों को पुलिस ने लॉकडाउन के उल्लंघन के आरोप में गिरफ्तार किया है। विधायक व उसके साथियों को 14 दिनों के लिए क्वारंटीन कराकर उनके सैंपल जांच के लिए भेजे। बताया जाता है कि अमनमणि त्रिपाठी महाराजगंज जिले के नौतनवा सीट से निर्दलीय विधायक हैं। पुलिस अधीक्षक संजीव त्यागी ने बताया कि सोमवार को पुलिस कोटद्वार रोड पर समीपुर नहर पुलिया के पास पैकिंग कर रही थी, तभी उत्तराखंड की ओर से आ रही 2 गाड़ियों को पुलिस ने जांच के लिए रोका। जांच के दौरान गाड़ी में मौजूद विधायक व उनके साथी कोई पास नहीं दिखा सके। पुलिस विधायक सहित उनके 6 साथियों को पकड़कर थाने ले गई। पुलिस ने पास न दिखाने व लॉकडाउन का उल्लंघन करने के आरोप में धारा 144 के उल्लंघन में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। पुलिस ने सभी को 14 दिनों के लिए क्वारंटीन कराकर उनके सैंपल जांच के लिए भेजे। पुलिस कप्तान ने बताया कि आज विधायक व उनके सभी साथियों को न्यायालय में पेश किया जाएगा। क्या कर रहा है? क्या पूरा मामला है? जनपद बिजनौर के थाना नजीबाबाद क्षेत्र में आज पुलिस टीम ने 2 लग्जरी गाड़ियां एंडेवर और फॉर्च्यूनर में महाराजगंज जनपद के नौतनवा से विधायक श्री अमन मणि त्रिपाठी जी और उनके अन्य 6 साथियों को आज विरुद्ध उनके विरुद्ध FIR पंजीकृत की जा रही है। ये लॉकडाउन में अनावश्यक रूप से घूमते हुए पाए गए हैं। इनको यूपी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से किसी के भी द्वारा कोई अधिकृत नहीं किया गया था उत्तराखंड जाने के लिए। बिना किसी वैध पास के लॉकडाउन में अनावश्यक घूमते हुए इनको पकड़े जाने पर इनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इनको क्वारंटाइन करवाया जाएगा, इनका सैंपल लेके टेस्ट कराया जाएगा और जब इनकी स्थिति ठीक होगी उसके बाद इनको। कितने लोग टोटल कितने हैं? ये कुल 7 लोग अभी हैं जो हमारे जिनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर, क्या इनके पास से कोई पास वगैरह मिला है उत्तरांचल का या कहीं का, जो ये कह रहे हैं कि एक पास भी जारी हुआ है? नहीं, इन्होंने हमें उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का कहीं कोई पास नहीं ये दिखा पाए। सर, किन सेक्शन में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है? इनके विरुद्ध IPC की धारा 188, 268, 269 और एपिडेमिक एक्ट और डिजास्टर एक्ट के धाराओं के तहत अभियोग पंजीकृत किया जाए। क्या कोई वेपन तलाशी पे कोई अवैध असलाह इनके पास से बरामद नहीं है? कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे? ये गोरखपुर से और महाराजगंज से इकट्ठा होके सब लोग उत्तराखंड जाके वापस आ रहे थे, तब इनको यहाँ पे पकड़ा। नजीबाबाद में कहाँ पे पकड़ा गया? नजीबाबाद में ये समीपुर नहर पुलिया कोटद्वार रोड पर इनको रोका। ठीक, थैंक यू। नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। लॉकडाउन में बिना किसी पास के उत्तराखंड से यूपी में प्रवेश कर रहे महाराजगंज के विधायक व उनके 6 साथियों को पुलिस ने लॉकडाउन के उल्लंघन के आरोप में गिरफ्तार किया है। विधायक व उसके साथियों को 14 दिनों के लिए क्वारंटीन कराकर उनके सैंपल जांच के लिए भेजे। बताया जाता है कि अमनमणि त्रिपाठी महाराजगंज जिले के नौतनवा सीट से निर्दलीय विधायक हैं। पुलिस अधीक्षक संजीव त्यागी ने बताया कि सोमवार को पुलिस कोटद्वार रोड पर समीपुर नहर पुलिया के पास पैकिंग कर रही थी, तभी उत्तराखंड की ओर से आ रही 2 गाड़ियों को पुलिस ने जांच के लिए रोका। जांच के दौरान गाड़ी में मौजूद विधायक व उनके साथी कोई पास नहीं दिखा सके। पुलिस विधायक सहित उनके 6 साथियों को पकड़कर थाने ले गई। पुलिस ने पास न दिखाने व लॉकडाउन का उल्लंघन करने के आरोप में धारा 144 के उल्लंघन में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।
पुलिस ने सभी को 14 दिनों के लिए क्वारंटीन कराकर उनके सैंपल जांच के लिए भेजे। पुलिस कप्तान ने बताया कि आज विधायक व उनके सभी साथियों को न्यायालय में पेश किया जाएगा। क्या कहना है, क्या पूरा मामला है? जनपद बिजनौर के थाना नजीबाबाद क्षेत्र में आज पुलिस टीम ने दो लग्जरी गाड़ियां एंडेवर और फॉर्च्यूनर में महाराजगंज जनपद के नौतनवा से विधायक श्री अमन मणि त्रिपाठी जी और उनके अन्य 6 साथियों को आज विरुद्ध उनके विरुद्ध FIR पंजीकृत की जा रही है। ये लॉकडाउन में अनावश्यक रूप से घूमते हुए पाए गए हैं। इनको UP स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से किसी के भी द्वारा कोई अधिकृत नहीं किया गया था उत्तराखंड जाने के लिए। बिना किसी वैध पास के लॉकडाउन में अनावश्यक घूमते हुए इनको पकड़े जाने पर इनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इनको क्वारंटाइन करवाया जाएगा, इनका सैंपल लेके टेस्ट कराया जाएगा और जब इनकी स्थिति ठीक होगी उसके बाद इनको। कितने लोग टोटल कितने हैं? ये कुल 7 लोग अभी हैं जो हमारे जिनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर, क्या इनके पास से कोई पास वगैरह मिला है उत्तरांचल का या कहीं का, जो ये कह रहे हैं कि एक पास भी जारी हुआ है? नहीं, इन्होंने हमें उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का कहीं कोई पास नहीं ये दिखा पाए। सर, किन सेक्शन में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है? इनके विरुद्ध IPC की धारा 188, 268, 269 और एपिडेमिक एक्ट और डिजास्टर एक्ट के धाराओं के तहत अभियोग पंजीकृत किया जाए। क्या कोई वेपन तलाशी पे कोई अवैध असलाह इनके पास से बरामद नहीं है? कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे? ये गोरखपुर से और महाराजगंज से इकट्ठा होके सब लोग उत्तराखंड जाके वापस आ रहे थे, तब इनको यहाँ पे पकड़ा। नजीबाबाद में कहाँ पे पकड़ा गया? नजीबाबाद में ये समीपुर नहर पुलिया कोटद्वार रोड पर इनको रोका। ठीक, थैंक यू।